नमस्कार देश विदेश सहित विकास बुलेटिन आरंभ करवा प्रथम देखा कौन रही हेडलाइंस मिथ्या खबर प्रसारण पर एक्शन ने केंद्र सरकार 35 यूट्यूब चैनल हला ब्लॉक ता सहित अनेक फेसबुक ट्विटर एवं इंस्टाग्राम हैंडल भी ब्लॉक सूचना और प्रसारण मंत्रालय जुग्म सचिव सूचना अधिक उज्जवल आउ शक्तिशाली हला अमर जवान ज्योति नेशनल वार मेमोरियल रे हला विलय सबरे ओडिया एवं ओडिसा पाई गर्वर दिन इंडिया गेट रे शोभा पाइबो नेताजी को प्रतिमूर्ति देश में चली तृतीय लहर दैनिक कोविड संक्रमण मामला 3 लाख पार 24 घंटे बाहर 3,70,532 नुआ संक्रमित कोरोना पुणी नेला 491 जनक जीवन सोमनाथ मंदिर नुआ सर्किट हाउस रो लोकार्पण वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे लोकार्पण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खर्च होई छि 30 कोटी टंका लाभ पाइबे दर्शन पाई आसुथिबा लक्षाधिक श्रद्धालु पुणी पीएम मोदी नंबर वन विश्व नेतृत्व को पछरे पकाई प्रधानमंत्री हेले सबुठ अधिक लोकप्रिय नेता अमेरिकार डाटा कनसल्टेन्सी फार्मार प्रकाशित तालिका द्वितीय मेक्सिकोर राष्ट्रपति और तृतीय इटाली प्रधानमंत्री चली भारत दक्षिण आफ्रिका द्वितीय दिनिकिया मैच दुई दल बेस गुरुत्वपूर्ण प्रथम दिनिकिया जीति सीरीज रे 1-0 रे आगुआ रही दक्षिण आफ्रिका आज मैच जीति सीरीज बराबर करने लक्ष्य रे टीम इंडिया एवं पुणी मुहांमुही हेबे भारत एवं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया रे खेला जाबाकु थवा टी20 विश्वकप पई खेल सूची जारी अक्टोबर 16 तारीख रु आरंभ हेबो टी20 विश्वकप 23 रे पाकिस्तान को भेटी प्रतिशोध नेबो भारत आसवा संपूर्ण खबर को देश विरोध में कंटेंट देखाइबा अभियोग रे केंद्र सरकार आज 35 यूट्यूब चैनल को बंद करिछंती याकु नै जनवरी 19 तारीख रे केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कहितले कि देश विरोध में षड्यंत्र करथुबा चैनल एवं लोकमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो एने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जुग्म सचिव विक्रम सहाय कहते कि यही चैनल गुड़िक भारत विरोधी कंटेंट लोक देखा चेष्टा करूँ एक्शन नि गत वर्ष सूचना और प्रसारण विभाग डिसेंबर मासरे विभिन्न एजेंसी सहायता रे सूचना पाई 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को ब्लॉक करथिले जातीय युद्ध स्मारक रे जळुथिबा शाश्वत ज्योति रे सम्मिलित हला अमर जवान ज्योति भारतीय परंपरा रे जोड़ी हला आउ एक नुआ फर्द इंडिया गेट रे शोभा पाइला कटक उड़िया बाजार रो सुभाष बोस को प्रतिमूर्ति जहाँ को नहीं देश समेत ओडिशा आज गर्वित इतिहास को नहीं सृष्टि हला आउ एक नुआ इतिहास ज्योति सहित मिसिला ज्योति अमर जवान अखंड ज्योति हेला आहुरी उज्जवल और शक्तिशाली इंडिया गेट रे शोभा पाइबो कटक ओडिया बाजार रो नेताजी सुभाष को प्रतिमूर्ति ओडियांक पई गर्व और गौरवर दिन 50 वर्ष परे सृष्टि हेला नुआ इतिहास इंडिया गेट ठारे वर्ष वर्ष धरी जळि आसुथिबा अमर जवान अखंड ज्योति आज जातीय युद्ध स्मारक रे जळुथिबा ज्योति सह विलीन हो जाइछि ज्योति रे ज्योति मिसिले शक्ति बढ़े यहा भारतीय संस्कृति रा परंपरा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े वे मरकर भी अमर हैं उन्हें श्रद्धांजलि जो अमर जवान ज्योति है वो अब इंडिया गेट के नीचे के में नहीं रहेगी बल्कि जो नया राष्ट्रीय स्मारक है युद्ध स्मारक वहां पर जाकर उसमें विलीन हो जाएगी
1971 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ଠାରେ ଭାରତ ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ସୈନିକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ 1947 ମସିହାରୁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଯବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2019 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅମର ଜ୍ୟୋତିକୁ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ ଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ। The controversy created over merging the flame from the Amar Jawan Jyoti with the flame at the National War Memorial, to my mind, is not necessary. It's baseless. It's not substantiated. The armed forces wanted a National War Memorial, but no government in the previous years paid any heed to it. The Modi government made the National War Memorial in 2019 and dedicated to the nation. It carries the names of all the nation's martyrs since 1947-48. Therefore, it's but natural that all ceremonies related to the martyrs must shift to this National War Memorial. And that is being done. तबे यहाँ सही तो इंडिया गेट रे शोभा पाइबा को जाऊँ ची कटक ओडिया बाजार नेताजी सुभाष बोस को नवस चुंबी प्रतिमूर्ति नेताजी का 125 तम जन्मोत्सव अवसर रे जनवरी 23 रे प्रधानमंत्री का द्वारा उन्मोचित हेबो ए प्रतिमूर्ति। तबे आज ठारु लोक माने ए प्रतिमूर्ति को देखि परिबे। सारा देश रे नेताजी का प्रतिमूर्ति को ने खुशी रा लहर खेल जाय छि। यहाँ को नहीं कटक रे नेताजी का बासस्थान रे लोक मान का मध्य रे खुशी रा माहौल देखा दे छि। जो जिनसा 70 वर्ष आगुरु करिया कथा देश स्वाधीनता पर जो जिनसा करिया कथा 70 वर्ष पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज कर धन्यवाद दबू। आज आम कटक माटी ओडिशा माटी ओडिशावासी कटक पिला आमर जो आज सम्मानटा पाई जो दीर्घदिन आम दाबी कर प्रधानमंत्री मोर कही धन्यवाद आम कामना करुचु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय कि नेताजी को जो सम्मान जो कथा आज कहले आम देह आम रक्त टांगी उठू कि नेताजी की कौ ठेसार ये देश पकई कि आज प्रधानमंत्री जो सम्मानटा दे जो जगार दबा कथा आज निश्चय बहुत बड़ कथ। ब्यूरो रिपोर्ट अगस्टिन। आसवा परवर्ती खबर को देश में वर्तमान चली तृतीय लहर देश में आज दैनिक कोविड संक्रमण मामला मध्य बहुत आसी पाखापाखि 3 लक्ष टपी जाइए। आज सकाल 8 सुधा स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट अनुसार 24 घंटे 3,17,532 नुआ संक्रमण मामला चिन्हट हो 249 दिन में यह हो सर्वाधिक। से केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार देश में मोट ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या 9,287 पहुंची। महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित होती एठारे 1738 ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होता बेले पश्चिमबंगे 1672 ओमिक्रॉन मामला चिन्हट होती। से देश में गत 24 घंटे 491 जनक कोरोना रे मृत्यु घटी। सबरे कमिला कोरोना ग्राफ जनवरी 13 तारीख पर ठारु संक्रमण 10 रु 12 हजार भितर रोता बेले आज 10 हजार तल को खसी एभली स्थिति लगे रही मार्च बेलू मास्क पिंधा दरकार पड़ोनी विशेषज्ञ मैंने आकलन करते अनेपटे चिंता बढ़ाऊँ सुंदरगढ़ और खोर्धा जिला जिले में संक्रमण हार ए प्रशासन पर कि चैलेंज पलटला। ये होची आजी को मिसाई 4 दिन राज्य में संक्रमण तथ्य। जनवरी 18 तारीख में दैनिक संक्रमण 11,086 बेले आज यह कमी 9,833 पहुंची अर्थात संक्रमण कमी। वरिष्ठ चिकित्सक नीरज मिश्रों कहवा अनुसार राज्य में संक्रमण एवं पिक्रे पहुंची बोली कहीपर तेब आगक संक्रमण यही धारा आहरी कमी कमी दरकार पड़े मार्च मस बेलू आउ मास्क दरकार पड़ना बोली से गुरुत्व वर्तमान स्थिति को देखने लगुच महामारी शेष होगा जापरिक स्कूल खोलिया से जोर देखते यहाँ जदि रहा मतलब लगुच दिने दिन दिन भितर जदि आउ न बढ़ला आम लगुच पिक बोधे पहुंची ये अर्लीयर पिक आसीगला जहाँ एक्सपेक्टेड था 25 तारीख बेलू मतलब लगुच बोधे अर्लीयर पिकटा आसीगला जदि केस लोड बढ़ूनी
ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ଆମେ ପିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ଏଠି ପ୍ଲାଟିର କିଛି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଫେର୍ ରାପିଡ଼ଲି କମିଯିବ ଯଦି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଲା ତାପରେ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି କମିଯିବ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କମିଛି ସ୍କୁଲଟାକୁ ମୋ ମତରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ ଭଲ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ବି କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି କାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହା ତେବେ ଏହା କେତେଦିନ ରହୁଛି ଆଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେଠୁ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ବରଂ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏବେ ଯେଉଁ ତଳମୁହା ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣ ତାହା ସମାନ୍ତରଳ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ଭଲ ଡରିବା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖି ସଂକ୍ରମଣକୁ କମାଇପାରିବା ପଜିଟିଭ୍ ଅଧିକା ବାହାରୁ ସେଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହେଉଛି ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାର କରୁଛେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବିବା ଯେ ଆମର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ଅଛି ଦୁଇ ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ଯିଏ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେମାନେ ଯଦି ଆଇସୋଲେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ଟାକୁ କମାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ଅଧିକା ହେଲେ ସେତେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି ଡେଲ୍ଟା ପରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସିବା ଭଳି ଆଗକୁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ବଦଳିବା ନେଇ ଏବେ ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ର ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସି ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଜରାତ କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ପଟେଲ ପିଛଲେ କୁଛ ସମୟ ସେ ଜିସ୍ ତରହ यहां एक के बाद एक विकास कार्य हो रहे हैं ये सोमनाथ दादा की ही विशेष कृपा है मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं कुछ महीने पहले यहां एग्जीबिशन गैलरी और प्रोमेनाड समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ था पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखी गई थी और आज सोमनाथ सर्किट हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं साथियों ये जब सर्किट हाउस की कमी एक है अत्यधिक रूप वो भी दूर तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले समंदर दर्शन होते रहे यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा ସବୁଠି ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ସୁଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଫରକ ସାଫ ଦିଖିଥାଏ ଏଥର ୟୁପିରେ ପୁଣି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପୁଣି ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସହ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବିଜେପି ଯୋଗୀ ହେବେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଥମ ନେତା ପୂର୍ବରୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଭାରତ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ସର୍ଭରେ ୟୁପିର ଯୋଗୀ ଏବଂ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଜନମତ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସି ଭୋଟର
मूड अफ द नेसन सर्वे मध्य समान फलाफल देखा मिली। पांच राज्य रे निर्वाचनी सरगरम, उत्तर प्रदेश उपरे सारा देशर नजर, रिपब्लिक जी परे एबे इंडिया टुडे सर्वे रे भी फरक साफ दिखता है। फरक साफ है, इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन रे अक्षुण मोदी का अखंड जनप्रियता, सबुटी मोदी का सुशासन रे प्रभाव, फरक साफ दिखता है। एतरे यूपी रे पुणी डबल इंजन सरकार, पुणी विपुल लोकप्रियतार सह क्षमता को आसीबो बीजेपी, जोगी हेबे लगातार दुई थर यूपी मुख्यमंत्री पदरे रहितिबा प्रथम नेता। पूर्वरु विभिन्न ओपिनियन पोल सर्वे रे यूपी रे बीजेपी एवं जोगी का लोकप्रियता सबुटी अधिका थिबा बेले एबे इंडिया टुडे सर्वे रे आसीचि समान फलाफल। आउ मात्र अल्प दिन परे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा एवं पंजाब रे अनुष्ठित हेबाकु जाउचि विधानसभा निर्वाचन। एही सबु प्रदेश रे जेउ माने एबे मुख्यमंत्री अछन्ति सेमानक मध्यरु लोकप्रियता रे सबुटु आगरे रहिछन्ति जोगी। इंडिया टुडे सर्वे अनुसारे वर्तमान रो मुख्यमंत्री मानकर कार्यशैली को नै वोटर संतुष्टि तालिका रे जोगी रहिछन्ति सबुठारु उपरे। तांको कार्यशैली रे 49% राज्यवासी संतुष्ट थिबा बेले उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कार्यशैली रे 41% लोक संतुष्ट रहिछन्ति। गोआर प्रमोद सावंत को कार्यशैली रे 27% संतुष्ट थिबा बेले मणिपुर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को मिलिछि 39%। सेही परि पंजाब रो कांग्रेस सरकार मुख्य चरणजीत सिंह चन्नी को कार्यदक्षता को मिलिछि मात्र 33% समर्थन। एहा पूर्वरु रिपब्लिक भारत एवं जी न्यूज सर्वे रे मध्य यूपी रे जोगी को सपक्ष रे मिलि जायतिला जनमत। जी सर्वे रे यूपी रे बीजेपी को 245 रु 267 मध्य रे आसन मिलिबा को थिबा बेले प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को 125 रु 148 मध्य रे आसन मिलिबो बोली आकलन करा जायछि। देखंतु कोन थिला जी न्यूज रो सर्वे रिपोर्ट। फर्क साफ है। सेही परि रिपब्लिक टीवी ओपिनियन पोल सर्वे रे मध्य यूपी रे बीजेपी को 252 रु 272 मध्य रे आसन मिलिबार आकलन करा जायछि। मोट 41% वोट पाई बीजेपी रहिबो सबुठो आगरे। देखंतु रिपब्लिक टीवी रो ओपिनियन पोल रिपोर्ट। फर्क साफ है। इंडिया टुडे सिवटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे अनुसार जदि आज देश रे लोकसभा निर्वाचन हुए तेबे मोट 543 टी आसन रु बीजेपी नेतृत्व अधीन एनडीए मेंट को मिलिबो 296 टी आसन, मात्र 126 टी आसन कांग्रेस नेतृत्व अधीन उपा मेंट को मिलिबा को थिबा बेले अन्य दल गुडी को मिलिबो अवशिष्ट आसन, कारण प्रधानमंत्री भाबरे लोकप्रियता रे एबे भी आगरे रहिछन्ती मोदी एवं वोटर का प्रथम पसंद रहिछि बीजेपी। पुणी थरे मोदी एक नंबर, विश्व नेतृत्व को पछरे पकाई भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणी थरे लोकप्रिय नेता विवेचित होइछन्। अमेरिकार डाटा कंसल्टेंसी फार्मा पक्षरु प्रकाश करा जायथिबा तालिका रे मोदी शीर्ष स्थान अधिकार करिछन्ती। डाटा कंसल्टेंसी फार्मा मॉर्निंग कंसल्ट विश्व नेता मानकर ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को नै एक सर्वे करथिला जेउथरे भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेटिंग 71% रही। सेपरी मोदी पछक मेक्सिकोर राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर द्वितीय स्थान में थी बेले इटाली प्रधानमंत्री मारियो द्रागी तृतीय स्थान में रही। पुणी मुहांमुही हेबे भारत एवं पाकिस्तान टी ट्वेंटी विश्वकप्रे मुहांमुही हेबे दुई पारंपरिक प्रतिद्वंदी। ऑस्ट्रेलिया रे खेला जिबा कुथिबा टी ट्वेंटी विश्वकप खेल सूची जारी करा जायछि। अक्टोबर 16 तारीख रु आरंभ हेबे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सुपर 12 राउंड रे 22 अक्टोबर रु आरंभ हेबे प्रथम मुकाबला ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड मध्ये रे खेला जिबो। तबे टीम इंडिया रो प्रथम मुकाबला अक्टोबर 23 तारीख रे पाकिस्तान सहित हेबो। भारत पाकिस्तान समेत दक्षिण आफ्रिका बांग्लादेश दुई क्वालिफायर टीम सह खेलिबो। 2021 टी ट्वेंटी विश्वकप्रे पाकिस्तान भारत को 10 विकेट्रे परास्त करथला। चलित विश्वकप्रे आशा करा जिवो जे भारत पाकिस्तान ठारु प्रतिशोध नै पारिबो। केवल भारत नुहे विदेशर भी हुए सेना शिविर रे अस्त्र पूजा, यार झलक एबे देखिबा को मिलिछि ग्रीस वायुसेना शिविर रे।
निकटने ग्रीस्र वायुसेनारे सामिल होइछि लड़ुआ युद्ध विमान राफाल आउ एही विमान सामिल हेबा पूर्वरु ग्रीस एहार धर्मगुरु मानंकु नै शस्त्र पूजा विधि आयोजित करथिला जार भिडियो एबे सामनाकु आसुछि। खीरी ना शुणिले आपणको खाइबाको इच्छा होतबो से जदि आइसक्रीम भळी भिन्न भिन्न फ्लेवर हुए ताहले भुवनेश्वर एमिति किसी खीरीर संभार नै आरंभ होईछि खीरी क्वीन जेउठि मिलुछि 35 प्रकार रो खीरी। राजधानी रे खीरीर पसरा गोटी जागारे मिलुछि 35 प्रकार रो खीरी ग्राहकको मन चिनुछि खीरी क्वीन केवल पारंपरिक खीरी नुहे चॉकलेट वैनिला फ्लेवर पर अनेक प्रकार खीरी मिले एठारे सकाळ हेउ संध्यारे स्टॉल लकरी जमुची लोकक भिड़ उभय ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रे हेउची खीर बिक्री कि स्टॉल रे खाउची तो किए घर को पैक करी नै जाउची पॉकेट को सुहाइला भली दर रे खीरी मिलुथिबारु ग्राहक भी बेस खुशी एठी ओडे खियो रेगुलर टाइम मिले सेटा भल लागे ता सहित ओडे रैप अंकर हुए ता सेटा बहुत टेस्टी थाय ता सहित म जे ब्राउनी शॉर्ट्स कहले जोडा की बहुत स्वादिष्ट लागला टिकर प्राइस भी ठीक ठाक थाय ता सहित बहुत माने लोक मिडिल क्लास लोक भी आको अफोर्ड करि पारिए आउ एठीकर टेस्ट खायरे टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट थाय आपण खुश रेडी खाइके जाई पारिबे आ बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे बहुत भल माने ऑथेंटिक आउ मॉडर्न मिक्स टाइप रे डिश मिले चॉकलेट खीर बहुत भल लगे आगे रैप भी ट्राए कर भल लगे ब्राउनी भी खीरी चॉकलेट खीरी रेगुलर खीरी ट्राए कर बेसिकली चॉकलेट खीर टा मतलब भल लगे खीरी ओडिया परंपरार एक अभिन्न अंश ओडिया परंपरा सह देवनीति बढ़ा जाए खीरी किंतु ओडिशा बजार रे आधुनिक खाद्य सामग्री रो भिड़ जमुथिबा बेले खीरी केवल विवाह व्रत रे सीमित होइ रहि जायछि किंतु बजार रे सेमिति किछि दुकान नथिबारु लोके खीरी किनबाकु पाउनाते एहाकु दैनन्दिन जीवन रे शामिल करबाकु चेष्टा करिछन्ति संघमित्रा युवापीढ़ी अन्य सामग्री को जेमिति जानुछन्ति सेमिति खीरी को मध्य जानंतु बोली उद्देश्य रखी आरंभ होईछि खीरी क्वीन रो यात्रा। मार्केट रे तो सेम देखिले सब किछि अछि त किंतु गोटे जिंस मते सब लागे जे आमो खीरी आमर ओडिया ट्रेडिशन ओडिया रो भी नो खीरी तो पूरा इंडिया रे ही फेमस त सब पूजा हो जहा हो सब बेले खीरी बने किंतु से जिंसटा को आमो यंग जनरेशन भूली गलेनी त तांको छुआ तो पूरा ही भूली जिवे से जिंसा त सेति पई मते सेति रे ही किछि करिवार थिला आ मते खीरी बहुत भल लागे त तेणु करी मु चाहिली जे हां ए जिंस ओरे गोटे ब्रांड बनेबा हमर एठी खीर आइटम टा फेवरेट तो ता सहित किछि किछि अछि रैप अछि ग्रिल पनीर रैप अछि तंदूर पनीर रैप अछि सैंडविच अछि बर्गर अछि ग्रिल पनीर बर्गर अछि विभिन्न प्रकार एमती टेस्टी जिंस बनने हो आगुको भुवनेश्वर समेत राज्यर अन्य स्थान रे खीरी स्टॉल करिवार लक्ष्य रखिछन्ति संघमित्रा। भुवनेश्वरु कैमरा पर्सन देवेंद्र बलिंग सहित अभिनय आदित्य नायकंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देश विदेश रे वर्तमान पय समस्या रहिछि बुलेटिन कैट रखबा हपिदा जंतु नमस्कार।